नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी ने हसनपुर में केंद्र और राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनकारी बघेल चौपाल पर एकत्रित हुए। यहां प्रेम प्रकाश भारद्वाज उर्फ सोनू एवं उनके समर्थकों ने देवेश कुमार और राजेंद्र नंबरदार का पगड़ी बांधकर स्वागत किया। प्रदर्शनकारी हसनपुर के बघेल चौपाल से सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार से महावर धर्मशाला पहुंचे और सरकार का पुतला फूंका। कार्यक्रम का आयोजन होडल विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रेम प्रकाश भारद्वाज उर्फ सोनू ने किया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक जगदीश नायर के कट्टर समर्थक कल्लन बघेल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। कल्लन बघेल का देवेश कुमार ने पगड़ी बांधकर पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेश कुमार, राजेंद्र नंबरदार, मेवाराम, राजू सरपंच, मनोज शर्मा, राजेंद्र समेत अन्य विशेष रूप से मौजूद थे। होडल से हमारे संवाददाता रतन सिंह की रिपोर्ट। जो हरियाणा रोजगार के मामले में नंबर एक पर हुआ करता था, आज बेरोजगारी में सरकार की गलत नीति की वजह से नंबर एक पर है। इसी प्रकार जैसे इन्होंने वायदा करा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो अब तक 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा 14 करोड़ जो हमारे युवा हैं वो बेरोजगार हुए हैं। साथ में जो 20 से 24 साल के जो हमारे युवा हैं, 42% युवा आज बेरोजगार है, यानी लगभग आप मान सकते हो कि हर दूसरा युवा आज बेरोजगार है। उसी प्रकार हम महंगाई की अगर हम बात करें तो इन्होंने बड़ा नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आज जनता महंगाई से त्रस्त है। इन्होंने कहा था अगर आपको डीजल पेट्रोल 35-40 रुपए चाहिए तो मोदी को आपको प्रधानमंत्री बनाना होगा, लेकिन आज डीजल 90 पार है और पेट्रोल 100 पार है। उसी प्रकार रसोई गैस जो 414 रुपये का था कांग्रेस के टाइम में, आज उसका रेट 1053 रुपये है। पिछले 2 साल से इन्होंने रसोई गैस को जो सब्सिडी मिला करती थी वो सब्सिडी खत्म कर दी। सीएनजी के रेट भी जो आज रिकॉर्ड तोड़ आज सीएनजी के रेट है। अब देवेश जी, जो सरकार ने 105 स्कूल जो बंद किए हैं उस पर आपका क्या कहना है? सरकार ने 105 स्कूल अभी फैसला किया उसको बंद करने का, इससे पहले 196 स्कूल और बंद हो चुके हैं। कुल मिला के 301 स्कूलों को सरकारी स्कूलों को बंद कर चुके हैं और आगे भी सरकार की नीति है अभी और भी स्कूलों को बंद करा जाना है। इससे पहले इन्होंने रूल 134A के तहत जो एडमिशन मिला करता रहा गरीब बच्चों को जो गरीबी रेखा के नीचे है, वो किसी भी जात बरादरी से हो, तो उसके तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिला करता था, उस रूल को इन्होंने ख़त्म करा। तो गरीब जनता पे जो उनका एक सपना हुआ करता रहा कि वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, तो उसको पहले इन्होंने कुचलने का काम करा। आज ये गरीब जनता से उनके शिक्षा का अधिकार ये छीनना चाहते हैं, और हम मानते हैं किसी भी समाज का विकास तभी उस पर निर्भर करता है कि उस समाज में शिक्षा का स्तर कैसा है, पर लेकिन ये शिक्षा का जो अधिकार है ये गरीब लोगों से छीनना चाहती है सरकार। एक देवेश जी, जो सोमाली फोगाट पे ये कुछ बीजेपी के नेताओं का भी नाम आ रहा है, उनकी लगभग तय हो चुका है कि साजिश की है। अच्छा, पहले अब अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड की हम बात करें तो कर्नाटक सरकार को गिराने की बात करें, या अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के अंदर जो इन्होंने करा, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने सरकार गिराने का काम करा, इन्होंने कोशिश करी राजस्थान की सरकार को गिराने की, साथ में इन्होंने कोशिश करी बिहार के अंदर भी जो नीतीश कुमार जी के जो पार्टी के जो विधायक थे उनको भी इन्होंने खरीद फरोख्त करने की कोशिश करी। तो ये तो पूरे तरीके से जो हमारे ये एक तरीके से प्रताड़ित करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के खिलाफ भी जो नेशनल हेराल्ड का मामला, जो कि ईडी जिसको पहले बंद कर चुकी थी उसको एक बार दोबारा से इन्होंने खोला, तो ये तो एक साजिश के तहत ये एक विपक्ष को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मानते हैं कि ईडी सरकार के दबाव में काम कर रही है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये पूरे तरीके से ये समझ लो ईडी का मतलब है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी पार्टी, ये तो बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। ये पूरे तरीके से आज जो तीनों जो महकमे हैं, ईडी हो चाहे सीबीआई है, और जहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जुडिशरी भी, वो भी आज पूरे तरीके से मैनेज्ड है। तो कांग्रेस इस पर क्या एक्शन लेगी? कांग्रेस पूरे तरीके से जो प्रजातांत्रिक तरीके से इनका विरोध कर रही है, पहले दिन से कर रही है, सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रही है और इनका विरोध करती रहेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।